अगर आप जियो यूजर हो, वीआई यूजर हो, एयरटेल यूजर हो, बीएसएनएल यूजर हो, अगर आपके पास कोई भी कंपनी का सिम है तो आज मेरे पास सभी कंपनीज की कुछ नई अपडेट्स है, कुछ नई चीजें पता चली हैं जो आप लोगों को काफी ज्यादा खुश भी कर सकती है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको काफी ज्यादा निराश भी कर सकती हैं। तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में आपको चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन का ऑल पर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि असली मजा आपको मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ने के बाद ही आने वाला है, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए यहाँ पे से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं भाई जियो की। जैसे कि आपको पता है, अगस्त महीने के बाद से जियो के इस समय आप लोगों ने एक चीज देखी थी कि भाई रिचार्ज प्लान काफी ज्यादा महंगे हो गए थे। बहुत से लोगों ने तो शायद रिचार्ज कराना भी जियो का सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया था, क्योंकि जो उनको आदत पड़ी हुई थी 239 रुपए की, वही प्लान अब 9 रुपीज का हो चुका था। इसी तरीके से सारे प्लान के रेट काफी ज्यादा हाई हो चुके थे, जिसके बाद लोगों ने क्या किया भाई, अपने पोर्ट कराने पे ध्यान दिया और सारे के सारे घुस गए बीएसएनएल पे। लेकिन बीएसएनएल पे घुसने के बाद भी उनको ऐसा लगा थी शायद यहाँ पे से इंटरनेट आपका अच्छा चलने वाला है, बट वहां पे भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ देखने को मिलेगी। आज बात करेंगे बीएसएनएल के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी जियो के पॉइंट पे आते हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि भाई रिचार्ज प्लान महंगे हो गए, लेकिन अभी जो नई अपडेट आ रही है उसके हिसाब से भाई ऐसा देखने को मिल सकता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर लोगों को रिचार्ज प्लान काफी ज्यादा हाई मिले थे, हो सकता है फिर से डाउन जाए। आप बोलोगे इसकी वजह क्या है कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, तो भाई सबसे पहली वजह है एक तो पोर्ट होना, दूसरी वजह है भाई जो इंडिया के अंदर स्टारलिंक आ रहा है, दूसरी वजह वो है कि भाई जब स्टारलिंक आएगा तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे जरूर होने वाली हैं। इसके साथ साथ एक नोकिया और इरेक्शन के साथ टाई अप हुआ है जियो का, जिसके बाद भाई उनको चाहिए थी वो उनको 40% से कम किए, जिसके बाद हो सकता है कि भाई जो भी बेनिफिशियल उनको अभी तक इस डील से हुआ है वो हो सकता है कि अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं दें, या फिर हो सकता है कि भाई वो जो डील हुई है उसमें जो पैसा उनको बचा है उसको वो शायद नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के देखा जा सकता है कि भाई ऐसी कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाए। यहाँ पे बीएसएनएल की भाई आपको पता है पूरे देश के अंदर इस समय बहुत तेजी से अगर कोई काम कर रहा है नेटवर्क कंपनी तो वो है बीएसएनएल। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों को प्राइस हाइक हुए थे सारी प्राइवेट कंपनी के, उस समय आप लोगों ने क्या समझा कि हम पोर्ट करा लेते हैं। पोर्ट आप लोगों ने करा दिया, आपने रिचार्ज भी करा दिया, आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हो, आप कॉलिंग फीचर्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको एक ड्रॉप पॉइंट देखने को मिलता है बीएसएनएल के अंदर से, जिसमें वो शायद आपका इंटरनेट हो, घर के अंदर कुछ और स्पीड होगी, बाहर कुछ और स्पीड होगी, और इस कंडीशन को देखते हुए आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि भाई हमने गलती कर दी बीएसएनएल में आके। लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं, बीएसएनएल इस समय इतनी तेजी से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है, जिसमें अब वो अपने 4G नेटवर्क के साथ साथ 5G नेटवर्क भी कहीं कहीं पे अपना इस्टेने की सोच रहा है। और आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जिसके भी पास बीएसएनएल का सिम होगा उसको घर के बाहर इतनी अच्छी स्पीड मिल रही होगी शायद प्राइवेट कंपनी भी ना दे रही हो, क्योंकि आपको पता है कहने के लिए एयरटेल 5G दे रहे हैं लेकिन कहीं भी आप लोगों को स्पीड कहीं भी सेम नहीं मिलती, ड्रॉप आपको स्पीड कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो वहीं बीएसएनएल भी इस चीज पे काम कर रहा, और हो सकता है भाई इसका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिले। मैं खुद एक बीएसएनएल का सिम परचेस करके लाया हूं, जैसे ही एक्टिवेट होगा उसके बाद उसका एक बार स्पीड टेस्ट करेंगे घर के अंदर और घर के बाहर भी, जिसमें पता लग जाएगा कि बीएसएनएल अभी कितना काम कर रहा और कितना काम और अभी बीएसएनएल ने करना बाकी है। बात करें यहां पर एयरटेल और जियो की, भाई जैसे कि आप लोगों को पता होगा एयरटेल जब से 5G और जियो में जब से 5G आया था तो अनलिमिटेड स्टार्टिंग में दिया, फिर रिचार्ज प्लान आया, रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए, अनलिमिटेड रहने दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अपडेट भी निकल के आ रही है कि जल्दी एयरटेल और अपना जियो दोनों आप लोगों को अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा देना खत्म कर सकता है। और ये भाई मेरी बात नहीं है, यहां पे आर्टिकल्स मैंने आपके लोगों के सामने लगा दिए हैं,
इस आर्टिकल में साफ साफ मेंशन है कि कंपनी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि भाई जो अभी तक अनलिमिटेड वाली स्कीम थी इसे बंद किया जाए, और जैसे आपको एक टाइम पे 4G में आप लोगों को डाटा लिमिट दे दी जाती थी, सेम एज इट इज होने वाला है। डेट अभी डिसाइड नहीं है कब तक ये प्लान इनका इंप्लीमेंट इस पे करते हैं, ये भी अभी डिसाइड नहीं है, बट ये उड़ती हुई एक चीज है जो अभी आप लोगों के कान में मैंने डाल दी है। बात कर लेते हैं BSNL के नए स्कीम प्लान की, जिसका नाम है SSD, भाई सैटेलाइट टू सर्विस डिवाइस। अपने तरफ से एक नई चीज लॉन्च की है जो कि भाई आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, उन लोगों के लिए जो BSNL यूजर है। इसका जो टाई अप हुआ है, अमेरिका की एक कंपनी है उसके साथ टाई अप हुआ है, और इसको किस तरीके से काम करती है मैं छोटे से डिटेल में आपको बता देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप जंगल में जाते हैं, आप लोग कोई ऐसे नेटवर्क पे चले जाते हैं जहां पे आप लोगों को बिल्कुल भी नेटवर्क देखने को नहीं मिलता, उस कंडीशन में कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं जहां आप फंस चुके हैं लेकिन आप किसी के हेल्प नहीं ले पाते थे, तो उस कंडीशन में इस जो सर्विस का यूज है वो आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों के BSNL का सिम रहेगा। तो बस आप लोगों को बस एक क्लिक करना होगा और डायरेक्टली जो आप लोगों की पिन पॉइंट लोकेशन होगी वो सैटेलाइट के थ्रू आप लोगों के इमरजेंसी सिचुएशन में आप फंसे हो वहां पे आपको कोई ना कोई हेल्प देखने को मिल जाएगी। बस एक क्लिक से आप लोग दुनिया की किसी भी कोने में BSNL का सिम को अगर यूज कर रहे हैं और आप ऐसी लोकेशन में फंस गए हैं जहां पे से आपको लगता है आप नहीं निकल पाओगे, बस उस सर्विस का आप लोग तब यूज कर सकते हैं और आपकी पिन पॉइंट लोकेशन आपको ट्रेस करके सीधा वहां पे जाने वाली है जहां से आप लोगों को बैकअप आ जाएगा और आपको वहां पे से आसानी से कोई भी निकाल के ले जा सकता है। और भाई ये सर्विस अगर इंडिया के अंदर पूरी तरीके से लॉन्च हो गई तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उन लोगों के लिए जो डेली काफी दूर दूर ट्रैवल करते हैं, कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जब उनको इमरजेंसी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये सर्विस अगर क्या आती है तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल ही होने वाली है। बाकी भाई आप लोग क्या सोचते हैं इसे कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में, और भाई आप लोग अभी कौन सा सिम यूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं, कौन सा डाटा प्लान आप यूज करते हैं वो जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मेरे भाइयों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।